Hello students, welcome to the Abhimanyu IAS. So target IAS 2021 में आप सभी का स्वागत है. जैसा कि हम लोग इन सेशंस के अंदर हमारे जो करंट अफेयर्स हैं उसको कवर अप कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो बात करें करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट की बात करूंगा जो प्रिलिम्स और मेंस परस्पेक्टिव से आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं फॉर द 2021 एग्जामिनेशंस. स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा कि जो सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स हैं जिनको काफ़ी करंट अफेयर्स में प्रॉब्लम रहती है, ये सेशन लगाने के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी करंट अफेयर्स के अंदर, क्योंकि हम लोग इन सेशंस के अंदर ना मार्च 2020 से अप्रैल 2021 के जो करंट अफेयर्स हैं उनको कवरअप कर रहे हैं. मतलब मोर देन वन ईयर के जो आपके करंट अफेयर्स रहेंगे हम उन सभी करंट अफेयर्स को 70 दिन के अंदर कम्प्लीट कर देंगे, 70 डेज के अंदर. मतलब बिफोर 2021 प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस हमारा ये सेशन बहुत ही बढ़िया तरीके से विद एक्सप्लेन्ड मैनर खत्म कर देंगे. क्लियर? अगर बात करें अभी तक की हमने 15 लेक्चर्स को कवर अप किया है जिसके अंदर हमने मार्च 2020 के करंट अफेयर्स को देख लिया, अप्रैल 2020 के करंट अफेयर्स को देख लिया, देन हमने मई के करंट अफेयर्स को देख लिया 2020 के, और जो आज हमारा 16th लेक्चर होने जा रहा है वो हमारा शुरू होगा आज से जून 2020 करंट अफेयर से. हम लोग कॉन्टिन्यूटी में हर एक मंथ को बड़े ही एक्सप्लेन्ड और शॉर्ट मेथड से करते जाएंगे. क्लियर है? बस आप मेरे साथ बने रहें और करंट अफेयर्स में आपको मैं कोई भी दिक्कत नहीं आने दूंगा. क्लियर है? तो शुरू करते हैं, और उससे पहले मैं अपने बारे में इंट्रोडक्शन दूँ तो माई सेल्फ कनम अग्रवाल, I'm the current affairs mentor in the Abhimanyu IAS. Clear? एक मिनट. अगर बात करें स्टूडेंट्स यहां पे हमारी आज की सबसे पहली न्यूज रहेगी प्रपोज एक्सपेंशन ऑफ G7. ये न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगी GS पेपर 2 के लिए. याद रखिएगा, मैं शुरू करता हूं. यहां पे लिखा कि यूएसए ने सुजेस्ट किया है, अभी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने सुजेस्ट कर दिया कि पोस्टपोनमेंट ऑफ 46th G7, मतलब ग्रुप ऑफ 7 समिट विच वॉज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन द जून 2020 एट कैंप डेविड यूएसए के अंदर. ये आपको पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने पोस्टपोनमेंट कर दिया है 46th G7 समिट को, जो होनी थी जून में 2020 में, और कहां पे होनी थी, कैंप डेविड यूएसए में. क्लियर है? यहां लिखा कि एडिशनली और भी अगर देखा जाए तो यूएसए के प्रेसिडेंट हैज आल्सो प्रपोज्ड द एक्सपेंशन ऑफ G7 टू बी कॉल्ड G10 और G11. अब यूएसए के प्रेसिडेंट ने बोल दिया है कि अब G7 के अंदर, अब कंसेप्ट देखें, सबसे पहले तो कंसेप्ट देखते हैं, हम कंसेप्ट पे चलते हैं. एक मिनट, मैं आप लोगों के लिए एक पेपर निकाल लेता हूं, अब ठीक रहेगा. अब स्टूडेंट्स यहां पे हमारे पास अगर G7 की बात करता हूं तो मतलब क्या है, हमारे पास 7 कंट्रीज हैं, तो 7 देशों ने मिलकर एक G7 समिट बना लिया. अब यूएसए बोलता है कि इसके अंदर 3 से 4 अलग कंट्रीज की एडिशन हो जाएगी और होने वाली है, और हम लोग G7 को G10 और G11 भी बोल सकते हैं, वो डिपेंड करेगा कितने कंट्रीज G7 के मेंबर बनते हैं. क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? चलें आगे. अब मैं आपसे एक और चीज यहां पे शेयर करता हूं. अब देखें, यहां पे हमने अभी पढ़ा था ना कि 46th G7 समिट है, उसके बारे में थोड़ा सा आप लोग डाटा एड ऑन कर लें. यहां पर लिखा है कि द प्रेजिडेंट ऑफ USA मेड एन अनाउंसमेंट, इन्होंने एक घोषणा की है, मेड एन अनाउंसमेंट टू होस्ट द 46th G7 समिट इन पर्सन इंस्टेड ऑफ रिमोटली by the video conferencing, क्लियर है? इवन ये जो डेट है, अब कौन सी डेट को प्रपोज किया गया, मतलब शेड्यूल कब किया गया था, कहते शेड्यूल्ड
टू बी हेल्ड ऑन जून 10 से जून 12 तक। मतलब क्या है कि 10 जून से स्टूडेंट्स 12 जून के बीच में 2020 में ये हो जाएगा। कहाँ पे? अभी हमने ये तो पढ़ लिया था, इन कैंप डेविड, जो आपको कहाँ पे देखने को मिला, यूनाइटेड स्टेट्स में। क्लियर है? ये कैंप डेविड कहाँ प्रेजेंट है आपका? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में मिलेगा। क्लियर? चलें आगे। ओके, आगे फर्दर देखते हैं, आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहां लिखा थर्ड पॉइंट पे द G7 और द ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज। अब कौन कौन से वो 7 देश हैं जो मेंबर बन रहे हैं? है मतलब वो है आपका सबसे पहला कनाडा, दूसरा है फ्रांस, तीसरा आ रहा है जर्मनी, चौथा आता है इटली, पांचवा आता है आपका जापान, और छठा आता है आपका यूनाइटेड किंगडम्स, और सेवंथ आपका आ गया USA। अब यहां पे मैं एक चीज बोलना चाहूंगा स्टूडेंट्स, एशिया की तरफ से कौन सा कंट्री G7 का मेंबर है? तो जापान। तो अगर मैं बात करूं कि G7 की जब भी समिट होती है तो उस समिट के अंदर एशिया को रिप्रेजेंट ऑब्वियस जापान करेगा। इन केस अगर भारत भी अब G7 का अगर मेंबर बनता है, फ्यूचर में बनता है अगर, क्योंकि भारत को G7 का मेंबर बनाने के लिए कौन सिफारिश कर रहा है? एक तो फ्रांस बोल रहा है, अप्रोच कर रहा है, यूनाइटेड किंगडम्स भी बोल रहा है, क्योंकि भारत में इतना ज़्यादा डेवलपमेंट बहुत जल्दी होता है कि डेवलपिंग कंट्री है और फास्ट इकोनॉमी प्रोड्यूस करने वाला कंट्री है, तो भारत को भी G7 का मेंबर बनाया जाए। तो अगर भारत भी G7 का मेंबर बनता है फ्यूचर में, तो इट माइट ऑल्सो पॉसिबल कि एशिया को कभी ना कभी रिप्रेजेंटेड भारत भी कर सकते हैं। तो इसीलिए तो जापान अपोज करता है कि इंडिया को G7 का मेंबर ना बनने दिया जाए। ये एक कंसेप्ट है, ये आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है? यही पॉइंट्स हम लोग मेंस के अंदर अपने व्यूज को लिख सकते हैं, ठीक है ना, व्यूज को लिख सकते हैं। अब चलते हैं, यहां बोला कि इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो 1975 में बनी थी, याद रखिएगा, संगठित की गई थी इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एज एन इनफॉर्मल फॉरम टू डिस्कस। क्या डिस्कस कर रहे हैं? देखो, कोई ना कोई डिस्कशन होगी अगर 7 कंट्रीज मिल रही हैं, प्रेसिंग वर्ल्ड इश्यूज। क्लियर? यहां पे लिखा कहते द ग्रुप डज नॉट हैव अ फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये नहीं है कि G7 का कोई भी अपने कानून होगा, कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन, फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, और अ फिक्स हेडक्वार्टर, इनका कोई ऐसा भी नहीं है कि आपको फिक्स्ड हेडक्वार्टर देखने को मिला, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कहते द डिसीजन टेकन बाय द लीडर्स ड्यूरिंग द एनुअल समिट आर नॉन बाइंडिंग। अब ये है, अब G7 समिट हो चुकी है, अब उसके अंदर जो भी डिसीजन लिए गए, तो ये नहीं है कि हर मेंबर को वो डिसीजन के ऊपर वर्क करना, नहीं, बाइंडिंग नहीं है, नॉन बाइंडिंग है, वो आप पे डिपेंड है। अगर वो कंट्री चाहता है काम करना तो कर सकते हैं, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं, वो कंसेप्ट है। इसलिए तो लिखा कि नॉन बाइंडिंग, प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट। नेक्स्ट आया द G7 नेशंस मीट एट एनुअल समिट दैट आर प्रिजाइडेड ओवर बाय द लीडर्स ऑफ द मेंबर्स कंट्री ऑन रैशनल बेसिस, सॉरी रोटेशनल बेसिस। क्लियर है? मतलब ये नहीं है कि एक ही कंट्री के मेंबर को हमेशा लीडरशिप दी जाएगी, नहीं, और वो हमेशा क्या रहेगा कि जो मेंबर्स हैं उन सभी के बीच में लीडरशिप आती रहेगी ऑन रोटेशनल बेसिस पे। यहाँ पे लिखा नेक्स्ट पॉइंट पे द होस्ट कंट्री। अब जो होस्ट कंट्री है जो करवा रही है G7 समिट, कहते नॉट ओनली होल्ड द G7 प्रेसिडेंसी। अब जो सपोज कीजिए, अगर भारत, अब सपोज कीजिए कि भारत ने G7 समिट करवाई 2022 में, तो भारत जी उस टाइम की G7 समिट का प्रेसिडेंट रहेगा, बट ऑल्सो सेट द एजेंडा ऑफ द ईयर। ठीक? नेक्स्ट आया कहते इट ऑल्सो गेट अ चांस टू इन्वाइट डिग्निटरीज फ्रॉम आउटसाइड द G7। ये इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए स्टूडेंट्स, हम लोगों के लिए सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 45th G7 समिट में फ्रांस ने इनविटेशन के रूप में इंडिया को इनवाइट किया था 45th G7 समिट में। हम ये चीज देखेंगे, मैंने ये कटिंग यूज की है स्लाइड्स के अंदर, लिखा है ना कि इनवाइट द डिग्निटरीज फ्रॉम आउटसाइड द G7 टू अटेंड द समिट। यहां लिखते हैं द ग्राउंड वर्क, मतलब ग्राउंड वर्क क्या चीज रहेगी कि जो बेसिक लेवल से काम करना है समिट में, इंक्लूडिंग
matter of discussed and follow-up meetings is done by the Sherpas. ये Sherpas क्या है? याद रखें, हमने G7 में पहले भी करंट अफेयर्स पढ़े हैं और पहले भी हमने Sherpas को पढ़ा है. थोड़ा सा आप लोग इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो. कहते Sherpas वो चीज है जनरली पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव्स और मेंबर्स ऑफ डिप्लोमेटिक स्टाफ सच एज एम्बेसडर्स. कंसेप्ट है कि अब मैं बोलता हूँ USA के अंदर G7 समिट हो रही है. अब फ्रांस G7 समिट में हिस्सा लेने जा रहा है. अब फ्रांस का एम्बेसडर G7 समिट में क्या करेगा? रिप्रेजेंट करेगा किसको? फ्रांस को. तो वो एम्बेसडर भी कहलाएगा और क्या कहलाएगा? Sherpas भी कहलाएगा, क्योंकि वो फ्रांस का क्या है? फ्रांस को वो रिप्रेजेंट कर रहा है. कहाँ पे? G7 के समिट में. क्लियर? चलें आगे. नेक्स्ट टॉपिक एक्सपेंशन पे बात करें कि अब G7 को हम लोग बोलते हैं, G8 भी बोलते हैं, G9 भी, G10, G11 सो ऑन. वो डिपेंड करता है कितने कंट्रीज G7 समिट को ज्वाइन करेंगे. यहाँ पे देखते हैं, कहते हैं द प्रपोज एक्सपेंशन. अभी प्रपोज किया गया है, सुजेस्ट है कि भारत को, ऑस्ट्रेलिया को, साउथ कोरिया को और रशिया को इन द ग्रुपिंग ऑफ द लार्जेस्ट एडवांस इकोनॉमीज के रूप में G7 में क्यों ना एड ऑन किया जाए. तभी तो यहाँ पे लिखा कि G7 माइट ऑल्सो बी कॉल्ड एज G11 इन द फ्यूचर, जब ये चारों के चारों ऐड हो जाएंगे. क्लियर? या बोला कि एग्जिस्टिंग G7 ग्रुप जो अभी है हमारे पास, G7 ग्रुप हैज बीन कॉल्ड एन आउटडेटेड ग्रुप ऑफ कंट्रीज एज इट डज नॉट इंक्लूड एमर्जिंग इकोनॉमीज. क्यों आउटडेटेड ग्रुप बोल दिया? क्योंकि ये G7 के अंदर कोई भी एमर्जिंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड वाला कंट्री प्रेजेंट ही नहीं है. ठीक है? इट बिलीव दैट ग्रुप डज नॉट फॉलो द करंट वर्ल्ड ऑर्डर्स. बिल्कुल ठीक. कहते इट इज अनक्लियर दैट प्रपोज एक्सपेंशन विल बी परमानेंट और टेम्प्रेरी. अब ये भी आपके लिए प्रिलिम्स में इंपॉर्टेंट है. ये ऐसा नहीं है कि अगर एड ऑन कर दे उसके बाद वो लीव नहीं कर सकते. कहने का तो ये मतलब है ना कि जो एक्सपेंशन अभी प्रपोजल पे है वो भी क्लियर नहीं हुआ है कि वो परमानेंट रहेगा कि टेम्प्रेरी बेसिस पे रहेगा. यहाँ लिखा, कहते द प्रपोजल टू रीएडमिट. रीएडमिट का मतलब क्या है? कि रशिया पहले भी G7 का हिस्सा था और फिर रशिया ने छोड़ दिया. इज एक्सपेक्टेड टू रिसीव स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस फ्रॉम अदर G7 मेंबर्स कंट्रीज. क्लियर? ये इंपॉर्टेंट प्रिलिम्स और मेंस के लिए, हमारे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट. कहते G7 को कुछ देर पहले G8 भी बोला गया था, सेवरल कुछ साल पहले. कब? कहते आफ्टर द ओरिजिनल 7 वर ज्वाइंड बाय द रशिया इन 1997. माय डियर स्टूडेंट्स, ये डाटा इंपॉर्टेंट रहता है, आपको ये चीज याद रखें कि जो प्रपोज किया गया कि भारत, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, रशिया इन सभी में से दूसरी बार फिर से री एडमिट कौन होने जा रहा है, वो है आपका रशिया. क्योंकि 1997 में रशिया ने G7 समिट को ज्वाइन किया था और वो तब G8 कहलाती थी. क्लियर है स्टूडेंट्स यहां तक? शेल वी मूव फर्दर. अब यहां पे इंपॉर्टेंट रोल शुरू हो गया. यहां बोला कि इंडिया हैड अटेंडेड G7 समिट इन 2019. कहते भारत ने G7 समिट को भी क्या किया था? अटेंड किया था, जो 2019 में हुई थी. कहाँ पे? बैरेट्स में, फ्रांस में. यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेंस पर्सपेक्टिव, इवन प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव. क्यों? क्योंकि इंडिया और फ्रांस के आप लोग, यहाँ पे दोनों देशों के आप लोग इंटरनेशनल रिलेशंस देखिए कितने बढ़िया बन रहे हैं. फ्रांस ने क्या किया था? फ्रेंच स्पेशल गेस्ट ऑफ फ्रेंच प्रेसिडेंट. मैं ये पॉइंट और क्लियर करने के लिए एक स्लाइड आगे चलता हूँ, फिर हम लोग बाकी स्लाइड्स को पढ़ेंगे. अब यहाँ पे देखें, हालांकि कई स्टूडेंट्स ने ये चीज़ देख रखी है. कहते G7 इनवाइट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, फ्रांस लाउड्स इंडिया रोल. क्या कंसेप्ट है? कि फ्रेंच प्रेसिडेंट एमैनुअल मैक्रॉन रेफर्ड, उन्होंने भारत को क्या बोला? कि भारत एक की रोल है किसके अंदर? प्रमोट करने में, प्रमोशन करने में. किसकी प्रमोशन करने में? पूरे विश्व की ग्लोबलाइजेशन और उसको बचाने के लिए एनवायरनमेंट को. मतलब एनवायरनमेंट को लेकर अगर पूरे दुनिया में सबसे बढ़िया रोल प्ले कर सकता है वो है आपका इंडिया,
ये एक तरह का बोलना है फ्रांस का, ठीक है ना। वाइल इनवाइटिंग द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू स्पेशल आउटरीच सेशंस ऑफ द G7, कहाँ पे, इन द बैरेट्स इन अगस्त, पीपल फैमिलियर विद द डेवलपमेंट्स सेड। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमने ये वाला पॉइंट प्रूव कर दिया कि G7 समिट के जो मेंबर्स हैं वो मेंबर्स आउटसाइड द मेंबर्स ऑफ G7 को भी इनवाइट कर सकते हैं, जैसा कि फ्रांस ने इंडिया को किया था। क्लियर है पहला पॉइंट, ये हो गया। अब यहां पे लिखा, कहते इंडिया हैज अटेंडेड द G8। कंसेप्ट देखें, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। भारत ने G8 को 5 बार क्या किया, अटेंड किया एज अ स्पेशल गेस्ट के रूप में बाय द वेरियस होस्ट ऑफ G8 समिट इन द पास्ट। मतलब जब रशिया ये G8 का मेंबर था, तब भारत ने वो समिट को 5 बार क्या क्या अटेंड किया स्पेशल गेस्ट के रूप में। अब यहां पे लिखा, नेक्स्ट आता है, चाइना इज नॉट अ मेंबर ऑफ G7 डिस्पाइट बीइंग द वर्ल्ड्स बिगेस्ट पॉपुलेशन। हालांकि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन होने के तहत भी चाइना G7 का मेंबर नहीं है, और सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी के रूप में भी चाइना आपका आगे आया है, बट फिर भी वो G7 का हिस्सा क्यों नहीं है। इसके पीछे रीजन है स्टूडेंट्स, वो है, कहते चाइना हैज रिलेटिवली लो लेवल ऑफ वेल्थ पर हेड ऑफ पॉपुलेशन। मतलब क्या है, अगर पॉपुलेशन तो चाइना के पास बहुत है, नंबर वन पे है, मैं बोलता हूँ इकोनॉमी में बहुत बढ़िया है, नंबर टू पे आते हैं, बट अगर मैं बात करूँ पैसे के लिए, इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो पर हेड पॉपुलेशन चाइना के अंदर इकोनॉमी बहुत ही कम है, जिसके कारण चाइना इज नॉट अ मेंबर ऑफ G7 ना। दस इट इज नॉट कंसीडर्ड एज एन एडवांस इकोनॉमी लाइक अदर G7 मेंबर्स। ये आप लोग ना, ये डाटा मेंस पर्सपेक्टिव में एग्जाम में लिख सकते हो कि अदर कंट्रीज का क्या मानना है, क्या सोचना है चाइना को लेकर। हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, क्लियर है ना, क्योंकि हम लोग देखते हैं रिलेशंस के अंदर कि ये G7 के मेंबर्स का जो चाइना के बारे में सोचना है उसका प्रभाव भारत पे क्या पड़ा। एडवांटेज है हम लोगों के लिए, तो इंडिया को प्रपोज किया जा रहा है, इंडिया को एडवांस किया जा रहा है कि आप लोग G7 का मेंबर बने, हालांकि चाइना को नहीं किया जा रहा। ठीक, यहां पे आगे वो बोलते हैं, एक्सपेंशन ऑफ G7 हैज बीन बिलीव्ड टू बी अ प्लान टू यूनाइट ऑल ट्रेडिशनल एलीज टू डील विद असर्टिव डिप्लोमेसी ऑफ द चाइना। बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट आता है, कहते प्रपोजल केम अमिड ऑनगोइंग इश्यूज बिटवीन USA एंड चाइना विच इंक्लूड्स, तो जो यूएसए और चाइना के बीच में काफी ज्यादा तनाव देखने को मिला हमें, और इसके अंदर हांगकांग ऑटोनॉमी भी देखने को मिली जो ताइवान के लिए है, द ओरिजिन ऑफ COVID-19 वुहान की बात की गई। अब आता है यहां पे साउथ चाइना सी टेंशन एंड ट्रेड इश्यूज। देखो ट्रेड इश्यूज तो बहुत ही ज्यादा थे इंडियन ओशन को लेकर। अब कंसेप्ट अगर देखें कि साउथ चाइना सी ये क्या चीज है, देखें वट डू यू मीन बाय स्टूडेंट्स साउथ चाइना सी, इसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अगर कंसेप्ट देखें, कहते साउथ चाइना सी इज एन आर्म ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक ओशन इन साउथ ईस्ट एशिया। यहां बोला गया कि साउथ चाइना सी एक आम है, एक बाजू है किसकी, वेस्टर्न पैसिफिक ओशन की इन द साउथ ईस्ट एशिया। यहां पे बिल्कुल ठीक है। अब ये चीज देखें, ज्योग्राफिकली इंपॉर्टेंट रहती है ये चीजें आप लोगों के लिए। कहते इट इज साउथ ऑफ द चाइना, बिल्कुल ठीक है ना, चाइना के आपको साउथ में मिल जाएगा। इवन ईस्ट एंड साउथ ऑफ वियतनाम, अब कंट्री दूसरा आ गया, चाइना के साउथ में आपको साउथ चाइना सी मिल गया, वियतनाम के ईस्ट साउथ में आप डायरेक्शन आपको मिल गया साउथ चाइना सी मिल गया, उसके बाद वेस्ट ऑफ द, एक मिनट स्टूडेंट्स, एक मिनट बस, वेस्ट ऑफ द फिलीपींस, क्लियर है, और उसके बाद नॉर्थ
ऑफ द आइलैंड कौन सा होगा? आइलैंड ऑफ बोर्नियो। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, आपको अंडरलाइन करके दे देता हूं मैं, कि साउथ चाइना सी चाइना के साउथ में है, वियतनाम के ईस्ट साउथ ही डायरेक्शन में मिल रहा है, फिलीपींस के वेस्ट में मिल जाएगा, और बोर्नियो आइलैंड के नॉर्थ में आपको साउथ चाइना सी मिल जाएगा। तो इन सभी का रोल प्ले होता है बिटवीन चाइना, वियतनाम, फिलीपींस और लास्ट में बोर्नियो का आपका आइलैंड। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। चले, क्लियर है यहां तक? कोई भी डाउट है स्टूडेंट्स, तो मैं सभी से एक ही रिक्वेस्ट करता हूं हर एक सेशन में कि प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। और एक स्टूडेंट्स पीडीएफ की फाइल जो हर एक सेशन के लिए है, वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक गिवन है, आप लोग वहां से पीडीएफ उस दिन की आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर, चलते हैं आगे। अब यहां पे लिखा कि G7 वर्सेस G20, देखें कहते G20 इज अ लार्ज ग्रुप ऑफ कंट्रीज, बिल्कुल ठीक है। कंसेप्ट देख लें, G20 बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू G7, और G20 के जितने भी मेंबर्स हैं उन सभी में से G7 के मेंबर्स आपके निकल जाएंगे। क्या लिख तो देना इंक्लूड G7 मेंबर्स, अपार्ट फ्रॉम G7 कंट्रीज। G20 कंप्राइजेस, G20 के कौन कौन से मेंबर्स हैं? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया एंड टर्की। और सबसे इंपॉर्टेंट सिविल सर्विसेज के लिए, प्रीलिम्स और मेंस के लिए, मैं ये थर्ड लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट मानना चाहूंगा। अगर G20 और G7 की दोनों की हम लोग इकोनॉमीज को कंपेयर करें तो G20 पूरे दुनिया में 80% की इकोनॉमी बना रहे, यानी 80% ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी। और अगर मैं G7 की बात कर लूँ तो वो 40% की इकोनॉमी बनाता है। आप कंसेप्ट देख लें, मतलब क्या है कि G20 के अंदर जितने भी हमारे पास कंट्रीज हैं उन सभी की इकोनॉमी को कलेक्ट कर लो तो वो 80% इकोनॉमी बन जाएगी पूरे विश्व की। और अगर G7 के मेंबर्स की हम लोग इकोनॉमी इकट्ठी करने लग जाएं तो वो 40% निकल जाएगी पूरे वर्ल्ड की। क्लियर है? यहाँ पे लिखा इश्यूज क्या हैं, कहते एज अपोज टू G7, G20 डिस्कसेस अ ब्रॉड रेंज ऑफ इश्यूज। G20 ज़्यादा ब्रॉड इश्यूज को डिस्कस कर लेते हैं, इंक्लूडिंग दोज कंसर्निंग द ग्लोबल इकोनॉमी एंड द फाइनेंशियल मार्केट्स। तो मतलब क्या है, ग्लोबल इकोनॉमी की बात कर ली तो COVID-19 को लेकर जो ग्लोबल इकोनॉमी में प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो वो G20 में हर हाल में डिस्कशंस होंगी। तो मतलब आने वाले फ्यूचर में हमारे पास ये भी एक न्यूज बनेगी ना। क्लियर, तो आगे चलते हैं। अब आती है हमारी नेक्स्ट न्यूज स्टूडेंट्स, चाइनास ऑपोजिशन टू थार्ड। ये क्या चीज है देखते हैं। यहां लिखा ये न्यूज़ एक तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगी जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 के लिए। क्लियर है? तो लीजिए शुरू करते हैं। चाइना हैज इशूड अ स्टेटमेंट, चाइना ने एक स्टेटमेंट जारी की है जिसके अंदर रीट्रीटिंग किया गया कि लॉन्ग स्टैंडिंग ऑब्जेक्शंस, ऑब्जेक्ट लगाया कि यूएसए का जो थार्ड है, थार्ड क्या है यूएसए का, मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो साउथ कोरिया के अंदर है, वो चाइना ने अपोज किया है, उसके अगेंस्ट किया है कि यूएसए का जो थार्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है साउथ कोरिया के अंदर प्रेजेंस। कहते दिस कम्स आफ्टर द रिपोर्ट ऑफ एन ओवरनाइट ऑपरेशंस टू ब्रिंग इन न्यू रिप्लेसमेंट इंटरसेप्टर्स मिसाइल टू द यूएसए बेस इन द साउथ कोरिया। याद रखें यूएसए का बेस है कहाँ पे, साउथ कोरिया में, और साउथ कोरिया इज द नेबरिंग कंट्री ऑफ चाइना, बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पे लिखा कि जो थार्ड है वो है क्या चीज, कहते इट इज एन एक्रोनिम फॉर टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। याद रखिए एरिया डिफेंस, अ ट्रांसपोर्टेबल, कहीं भी लेकर जा सकते हो, जमीन से ग्राउंड बेस एंटी प्लास्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है आपका, दैट इज कॉल्ड थार्ड ना। और ये सबसे पहले प्रपोज किया गया था 1987 में और फाइनली हमने 2008 में इसको डिप्लॉय किया था। याद रखें ये भी चीज इंपॉर्टेंट रहेगी आप लोगों के लिए डिफेंस में अंदर। क्लियर है ना, डिफेंस के अकॉर्डिंग। चले, यहां लिखा द थार्ड कैन नॉट बी यूज एज अ फॉर्म ऑफ अ
अटैक अगेंस्ट एन एनिमी, हम लोग की एनिमी के अगेंस्ट नहीं यूज कर सकते, ये हम लोग अपने प्रोटेक्शन के लिए यूज कर सकते हैं अगर हमारे ऊपर कोई अटैक होता है तब. क्लियर है? यहां लिखा इट इज डिजाइंड टू इंटरसेप्ट एंड डिस्ट्रॉय, मतलब ये ढूंढेगा और तबाह कर देगा शॉर्ट एंड मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स को इन देयर फाइनल फ्लाइट फेस. क्लियर? चलिए आगे. अब ये है आपका थर्ड कंसेप्ट. देखें ये एक इंटरसेप्टिंग मिसाइल सिस्टम है. कहते द सिस्टम हैज अ ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ 100% मिशंस सक्सेस इन फ्लाइट टेस्टिंग सिंस 2005. 100% ये कारगर रहता है ये वाला. अगर बात करें इसके अंदर जो सबसे पहला स्टेप है रडार, वो क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा. रडार डिटेक्ट इनकमिंग थ्रेट्स. मैं जूम कर देता हूं एक मिनट. अब ये रडार सबसे पहले क्या करेगा, इनकमिंग थ्रेट को डिटेक्ट कर रहा है. सेकेंड पॉइंट क्या आता है, द टारगेट इज आइडेंटिफाइड एंड एंगेज्ड. एंगेज का मतलब क्या होता है कि लॉक कर दिया जाता है कि हमने ये टारगेट को डिस्ट्रॉय करना है. एंगेज मतलब होता है. थर्ड स्टेप क्या रहता है थर्ड का, अब इंटरसेप्टर इज फायर्ड. इंटरसेप्टर क्या चीज रहती है, फायर्ड फ्रॉम ट्रक माउंटेड लॉन्चर. जो इंटरसेप्टर होगा वो इस ट्रक से क्या कर देगा, लॉन्च कर देगा आपकी मिसाइल सिस्टम को. बिल्कुल ठीक है. तो इंटरसेप्टर यूजेस काइनेटिक एनर्जी टू डिस्ट्रॉय द इनकमिंग मिसाइल. कंसेप्ट देखे कौन सी एनर्जी यूज की, काइनेटिक एनर्जी. आपको पता है काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² वाला फॉर्मूला. क्लियर? चले यहां पे लिखा कि थर्ड इज कपल्ड विद स्पेस बेस्ड एंड ग्राउंड बेस्ड सर्विलेंस स्टेशन विच ट्रांसफर डाटा अबाउट द इनकमिंग मिसाइल्स and inform the third interceptor missiles of threat type classifications. Concept याद रखें कि ये space और ground based surveillance system है जो interceptor को बता देगा, lock कर देगा. किसको? वो आपके threat को lock करेगा, engage कर देगा. ठीक? कहते हैं next है, this system has been designed and manufactured. अब ये system important रहेगा. हमारे लिए बहुत important है. थर्ड वाले सिस्टम को किसने डिजाइन किया और किसने बनाया, वो है यूएसए की कंपनी लॉकहीड मार्टिन. ये इंपॉर्टेंट रहेगा. दैट कंपनी कौन सी है, वो है लॉकहीड मार्टिन. कहते इट हैज बीन प्रीवियसली डिप्लॉयड. अब साउथ कोरिया में डिप्लॉयमेंट तो है, अब इससे पहले कहां कहां डिप्लॉय किया हमने. यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में हमने इसको डिप्लॉय किया, गुमान में डिप्लॉय किया, इसराइल में, रोमेनिया में डिप्लॉय किया. क्लियर है? थर्ड वॉज डिप्लॉयड इन साउथ कोरिया. अब थर्ड को जो साउथ कोरिया में डिप्लॉय किया, तभी तो ये न्यूज आई कि चाइना ने अपोज किया थर्ड को. यहां पे लिखा साउथ कोरिया एज काउंटर मेजर अगेंस्ट पोटेंशियल अटैक बाय द नॉर्थ कोरिया. हालांकि चाइना से कोई दिक्कत नहीं थी, हमने नॉर्थ कोरिया से जो यूएसए को थ्रेट था उसको काउंटर करने के लिए थर्ड को डिप्लॉय कर दिया. नॉर्थ कोरिया का नेबर कंट्री साउथ कोरिया में. ठीक? कहते पर्टिकुलरली आफ्टर द कंट्री हैड एंगेज्ड इन टेस्टिंग बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम. क्लियर है स्टूडेंट्स? शैल वी मूव फर्दर, आगे चलें. कहते 2017 में क्या हुआ, व्हेन नॉर्थ कोरिया टेस्ट फायर अ न्यू मिसाइल. जब नॉर्थ कोरिया ने नई मिसाइल को टेस्ट किया था इन द डायरेक्शंस ऑफ यूएसए बेस इन जापान. मतलब नॉर्थ कोरिया ने जो अपनी नई मिसाइल को टेस्ट किया था जापान से नजदीक पड़ रहा है यूएसए का बेस उस डायरेक्शन में किया. द यूएसए मूव द मिसाइल सिस्टम टू इट्स आर्मी बेस इन ओसान साउथ कोरिया. और साउथ कोरिया में हमने बोल तो दिया कि थर्ड है, बट कहां पे है, और वो आपका सिटी रहेगा ओसान में. ठीक है, चले आगे फर्दर. शैल वी मूव, कोई भी डाउट रहेगा स्टूडेंट्स तो आपको पता है आपने कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है. क्लियर है? यहां पे आता है कि एवर सिंस चाइना हैज ऑब्जेक्टेड दीज मूव्स. हालांकि चाइना ने ये मूव्स के ऊपर ऑब्जेक्शन लगा दी है, कॉजिंग डिटेरियोरेशन ऑफ द रिलेशंस. ये रहा आपका साउथ कोरिया, दिस इज योर साउथ कोरिया. क्लियर है? और ये रहा आपका चाइना. हालांकि नॉर्थ कोरिया इज द नेबर कंट्री ऑफ साउथ कोरिया, बट नॉर्थ कोरिया ने यूएसए को दिया था थ्रेट, इसीलिए तो यूएसए ने यहां पे ओसान में अपना थर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को डिप्लॉय किया हुआ है. क्लियर? चले
नेक्स्ट देखते हैं। और एक चीज आप लोग थोड़ा सा और याद रखें यहाँ पे, एक यो ये जो यहाँ पे डायग्राम आई है ना, तो प्लीज माय डियर स्टूडेंट्स एक चीज ध्यान में रखना, द लाइन दैट सेपरेट द नॉर्थ कोरिया फ्रॉम द साउथ कोरिया वो है हमारी 38th पैरेलल लाइन। ये चीज थोड़ा सा ध्यान में रखें, ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट से आपको प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू में इंपॉर्टेंट रहेगा ये चीज को, ठीक है। आगे चलें, यहां पे आगे लिखा कि फॉर साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया पोजेस अ न्यूक्लियर थ्रेट एंड द थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम इज अ नेसेसिटी टू काउंटर दैट। इवन साउथ नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया को भी थ्रेट दिया था, पोजेस अ न्यूक्लियर थ्रेट, तभी तो साउथ कोरिया के पास जो यूएसए का डिप्लॉयड थार्ड है वो साउथ कोरिया के लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है ना, टू काउंटर अटैक फ्रॉम द नॉर्थ कोरिया। नेक्स्ट पॉइंट लिखा, द यूएसए एंड द साउथ कोरिया हैव कंसिस्टेंटली मेंटेन दैट दीस मिसाइल्स आर ओनली टू काउंटर पोटेंशियल थ्रेट्स बाय द नॉर्थ कोरिया ओनली, याद रखें, क्लियर है स्टूडेंट्स। चलें आगे, नेक्स्ट आता है चाइना का कंसर्न क्या है इस चीज को लेकर। कहते चाइना इज लेस कंसर्न्ड अबाउट द मिसाइल्स इटसेल्फ, अब चाइना इतना भी ज्यादा कंसर्न नहीं है ये मिसाइल्स को लेकर, मोर अबाउट सिस्टम इनबिल्ट एडवांस रडार सिस्टम। कंसेप्ट देख ले कि सिस्टम इनबिल्ट वो ज्यादातर मिसाइल से नहीं डरता, वो डरता है जो थार्ड के अंदर इनबिल्ट एडवांस रडार सिस्टम लगा हुआ है दैट कैन ट्रैक चाइनाज एक्शन, वो चाइना के एक्शन को भी डिटेक्ट करता रहता है। और यही प्रॉब्लम है चाइना के ऑब्जेक्शन का, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, क्लियर। नेक्स्ट आता है द यूएसएस प्रेजेंस एंड इन्फ्लुएंस इन द ईस्ट एशिया थ्रू इट्स मिलिट्री बेस इन जापान, अब यूएसए की जो प्रेजेंस है जापान में और साउथ कोरिया में हैम्पर द जियोपॉलिटिक्स एंड द कॉम्प्लेक्स कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ द रीजन, क्लियर। नेक्स्ट आया कहते इट ऑल्सो इंटरफेयर विद बीजिंग लॉन्ग टर्म मिलिट्री डिप्लोमैटिक्स एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन द रीजन, तो क्लियर है स्टूडेंट्स ये वाला पॉइंट। आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं आप लोग। शैल वी मूव फर्दर, ओके हम लोग आगे चलते हैं। इससे पहले ये न्यूज करने से पहले हम लोग थोड़ा डाटा एड ऑन कर लेते हैं आप लोगों के लिए, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। यहां पे लिखा साउथ कोरिया के क्या रिएक्शन आ रहे हैं, याद रखें साउथ कोरिया के लिए लिखने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। हम सबसे पहला पॉइंट लिखते हैं यहां पे इकोनॉमिक साउथ कोरिया के लिए, यहां पे लिखा कि साउथ कोरियन बिजनेस इंक्लूडिंग लार्ज, क्या लार्ज, लार्ज आपने की रहेंगी कॉन्ग्लोमरेट्स, वो कौन कौन से, लाइक एलजी सैमसंग वर बोथ हैम्पर्ड, प्रॉब्लम्स आ रही हैं ये साउथ कोरिया की कंपनीज को, ठीक है, क्योंकि अगर देशों के बीच में तनाव रहेगा तो प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही आएंगी, ठीक। आगे आया, अगर बात करूं टूरिज्म के लिए, टूरिज्म फ्रॉम कहां से, चाइना टू साउथ कोरिया फॉल ड्रास्टिकली, काफी हद तक कम हो चुका है जो चाइना से पर्यटक आते थे साउथ कोरिया में घूमने के लिए। इवन अगर और बात करें एंटरटेनमेंट के लिए, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज कंसर्ट्स जो होते रहते थे शोज चाइना के अंदर साउथ कोरिया की तरफ से बींग फोर्स्ड टू कैंसल, तो चाइना ने उनको कैंसल करवा दिया, क्लियर। तो आप लोग इंपैक्ट देखें इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर, ठीक है। चलें आगे, नेक्स्ट न्यूज पे पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, हमारी नेक्स्ट न्यूज है आज की प्रधानमंत्री, एक दस मिनट, हमारी न्यूज आ रही है नेक्स्ट है प्रधानमंत्री स्वनिधि, मतलब माइक्रो क्रेडिट स्कीम्स फॉर द स्ट्रीट वेंडर्स
और ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाली है जीएस पेपर टू के लिए और जीएस पेपर थ्री के लिए। क्लियर है? शुरू कर सकता हूँ मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए, तो ठीक है। ध्यान रखें हम इसी तरीके से बड़े आराम से और स्लोली और एक्सप्लेन मैनर से हर एक न्यूज़ को कवरअप करेंगे। यहाँ लिखा कि द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, जो मंत्रालय है हाउसिंग और अर्बन अफेयर का, उन्होंने लॉन्च किया क्या स्कीम, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, प्रधानमंत्री स्वनिधि बोला गया जिसको, शॉर्ट फॉर्म है, फॉर प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल लोन्स टू द स्ट्रीट वेंडर्स। क्लियर है? यहां लिखते हैं द स्कीम वुड बेनिफिट। अब ये स्कीम किस किस को बेनिफिट देगी? वेंडर्स को, हॉकर्स को, ठेले वालास को, एंड पीपल इन्वॉल्व्ड इन गुड्स एंड सर्विसेज रिलेटेड टू द टेक्सटाइल्स, एपरल्स, आर्टिशंस प्रोडक्ट्स, बार्बर शॉप्स, लॉन्ड्री सर्विसेज इन द डिफरेंट एरियाज। ये तो है स्कीम का क्या एक ज्योग्राफिकल पार्ट, वो किस किस को कवरअप कर रहे हैं स्वनिधि योजना के तहत। ठीक है, यहाँ पे लिखा, अब ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट रहेंगे ये दोनों पॉइंट्स आप लोगों के लिए। प्रीलिम्स लगा लो, मेंस लगा लो, याद रखना इस चीज को, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अगर हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्कीम लॉन्च कर दी तो उसके ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट्स क्या रहेंगे, वो किस किस एरिया को कवरअप कर रहा है और उस स्कीम के तहत क्या होने वाला है। यहाँ पे लिखा कि जो वेंडर्स हैं उनको अवेल करवाना है वर्किंग कैपिटल लोन, कितना, 10,000 रुपये का, विच इज रीपेबल इन द मंथली इंस्टॉलमेंट्स। वो हर महीने कुछ किस्तें भरकर इजिली मंथली इंस्टॉलमेंट से वो 10,000 का लोन उतार सकते हैं एक साल में। द लोन वुड बी विदाउट कोलेटरल, तो उन्हें कुछ गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। जैसे हम लोग अगर कुछ भी पैसा लेते हैं बैंक से तो हमें रखना पड़ता है कोलेटरल्स, गिरवी रखना पड़ता है, बट ये स्कीम के तहत 10,000 रुपये एक स्ट्रीट वेंडर भी ले सकता है विदाउट एनी कोलेटरल्स। क्लियर है? अब नेक्स्ट आता है कि इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार हुआ दैट माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, जो छोटे छोटे फाइनेंस करने वाले इंस्टीट्यूशंस हैं, और इवन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज NBFC, हम लोग इसको देखते हैं। फिर आता है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स GSHGS हैव बीन अलाउड इन अ स्कीम फॉर अर्बन पुअर ड्यू टू देयर ग्राउंड लेवल प्रेजेंस। अब इन तीनों को क्यों प्रेजेंस दिया गया, कि इन तीनों को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंडर इसलिए रखा गया था क्योंकि ये लोग ग्राउंड लेवल पे प्रेजेंट हैं एंड प्रॉक्सिमेटली टू द अर्बन पुअर इंक्लूडिंग द स्ट्रीट वेंडर। स्टूडेंट्स अब एक चीज देखें आप लोग, यहां पे एक चीज देखते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ये क्या चीज रहती है, पढ़ते हैं हम लोग इसको। यहां पे लिखा, कहते ये कंपनी है, इज अ कंपनी जो रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट, कौन सा कानून, कंपनीज एक्ट 1956, एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस, किसको, किनको, टू, अगर मैं बहुत इजी शॉर्ट लिखूं यहां पे, टू, सॉरी एक मिनट, यहां पे टू नहीं लिख सकते, वो तो आपको पता ही है कि किनको देना है स्वनिधि के अंडर, ये देना है हमने हॉकर्स को, रिक्शा पुलर्स को, स्ट्रीट वेंडर्स को देना है, ठीक है ना, ठेले वालास को देना है, और ये एडवांसेस दे सकते हैं, और इवन क्या कर सकते हैं, ये शेयर्स कर सकते हैं, स्टॉक्स और इवन बॉन्ड्स, डिबेंचर्स इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो दिस इज योर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। क्लियर? यहां तक कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को? अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहां पे, अगर मैं सेकंड पॉइंट पे बात करूं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की, माय डियर स्टूडेंट्स आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं ये डाटा एड ऑन कर लेना, प्लीज इसको नोट डाउन कर लो, ये डाटा इंपॉर्टेंट रहता है। क्यों डाटा ये, अगर आपके मेंस में अगर कोई भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से NBFC का जिक्र हो गया तो आप लोगों के पास इतना डाटा तो होना चाहिए ना कि आप अच्छे से लिख सको उसको। क्लियर है ना? तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या रहते हैं, यहां पे लिखा, कहते
आर इनफॉर्मल एसोसिएट्स ऑफ पीपल हु चूज टू कम टुगेदर, जो इकट्ठे आते हैं, हु चूज टू कम टुगेदर टू फाइंड वेज टू इम्प्रूव देयर लिविंग कंडीशंस। क्लियर है? अब अगर मैं यहां पे बात करूं, मैं डाटा यहां पे एक मिनट आप लोग के लिए क्लियर कर देता हूं, ये वाला एनबीएफसी वाला, जस्ट अ मिनट। यहां पे हमने बोल दिया ना ये पॉइंट कि इंप्रूव करना है लिविंग कंडीशंस को, वो कैसे करते हैं आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। नंबर वन, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के अंडर ही आएगा, कहते दे बिल्ड द फंक्शनल कैपेसिटी ऑफ द पुअर। क्लियर? सेकंड पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करेगा? रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, जो छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट्स लड़ाई झगड़े रहते हैं उनको दूर किया जाएगा। और सेकंड के अंदर लिख लेते हैं प्रोवाइड कोलेट्रल्स फ्री लोन, जिसको बोलते हैं हम लोग। क्लियर है? और थर्ड पॉइंट हम लोग क्या लिख सकते हैं कि वर्क एज अ कलेक्टिव गारंटी सिस्टम। अरे तभी तो बोल सकते हो कि कोलेट्रल देना नहीं पड़ेगा, वो हेल्प कर रहे हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वाले। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स? शैल वी मूव फर्दर, क्या हम लोग आगे बढ़े? देखो फिर भी कोई डाउट रहता है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर आप लोग लिखकर बताएं। ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां पे नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं कि प्रधानमंत्री स्वनिधि के अंडर क्या चीज है। हालांकि ये मेरे पास स्लाइड पूरी नहीं है ये डाटा की, कि बहुत ज्यादा पिक्चर्स आ रही है, फिर तो जो मेन मेन है वो डिस्कस कर लेते हैं। 125 सिटीज में को सिलेक्ट किया गया अंडर द फर्स्ट फेज ऑफ प्रोग्राम। टारगेट रहा कि 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को हमने कवर करना है, 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को कवर अप करना है। 10 लाख एप्लीकेंट्स ऑलरेडी रिसीव्ड फ्रॉम द स्ट्रीट वेंडर्स, ठीक है। 3.5 लाख रुपए का लोन, 3.5 लाख लोन, सॉरी लोन्स है, रुपए का नहीं है, 3.5 लाख लोन्स सेंक्शन किए जा चुके हैं एंड 1.5 लाख लोन्स को डिसबर्स्ड किया जा चुका है अभी तक का। क्लियर है? ये डाटा लेटेस्ट है हमारे पास। आगे चलें, नेक्स्ट आता है, कहते देयर विल बी नो पेनल्टी ऑन रीपेमेंट ऑफ द लोन्स, बिल्कुल ठीक है, कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। नेक्स्ट आया, दोस हु वर वेंडिंग टिल 24th March 2020, याद रखें जो 24 मार्च 2020 तक वेंड कर रहे हैं, कैन अवेल द बेनिफिट्स ऑफ द स्कीम। ये पहली बार हुआ है दैट स्ट्रीट वेंडर्स फ्रॉम पेरी अर्बन या रूरल एरियाज हैव बिकम बेनिफिशरीज ऑफ एन अर्बन लिवलीहुड प्रोग्राम, इंपॉर्टेंट। क्लियर है? और ये स्कीम वैलिड रखी गई है मार्च 2022 तक। अगला आता है ऑन टाइमली या अर्ली रीपेमेंट ऑफ द लोन। अब इंटरेस्ट ब्याज कितना लगा? 7% पर एनम का, विल बी क्रेडिटेड टू द बैंक्स। कंसेप्ट देख लें, ये होगी सब्सिडी, सब्सिडी भी मिल रही है 7% की पूरे साल में, वो आपके बैंक में क्रेडिट कर दी जाएगी अकाउंट ऑफ द बेनिफिशियरी थ्रू द डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ऑन अ 6 मंथली इंस्टॉलमेंट्स, सॉरी बेसिस। क्लियर है? आगे चलते हैं, यहां पे लिखा द स्कीम इंसेंटिव डिजिटल ट्रांजेक्शंस बाय द स्ट्रीट वेंडर्स थ्रू मंथली कैशबैक्स। ये आपको मंथली कैशबैक काफी हेल्प करेगा, किसकी? स्ट्रीट वेंडर्स की। स्टूडेंट्स क्लियर है यहां तक? आगे चलें, यहां देखें, कहते 15 लाख वेंडर्स इन यूपी, 15 लाख वेंडर उत्तर प्रदेश में, विल ईच वर्किंग कैपिटल ऑफ 10,000 रुपी टू रीबिल्ड द बिजनेस। तो उनको 10,000 रुपए की हेल्प दी गई थी ताकि वो अपना कामकाज फिर से चला सकें।
कहते हैं वेंडर विल गेट द सपोर्ट, तो वो कौन सा सपोर्ट था जो 10,000 रुपए का मिला हर एक वेंडर को, 15 लाख वेंडर्स को यूपी में? वो थी स्कीम प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम, जो भी हमने पढ़ी है ना, ठीक है। कहते वेंडर्स विल हैव टू रिटर्न द अमाउंट टू लेंडिंग बैंक विद इन ईयर, एक साल में वेंडर को वापस से पे करना है बैंक को, नो कोलैटरल, कोई चीज गिरवी नहीं रखनी है बैंक को। वेंडर हु रीपे द लोन बाय ड्यू डेट, अब कोई भी वेंडर अगर एक साल के अंदर अंदर जितना पैसा लिया, 10,000 पैसा लिया, वो वापस कर दिया बैंक को ड्यू डेट से पहले, विल क्वालिफाई फॉर मोर वर्किंग कैपिटल, तो उसको और भी वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड किया जा सकता है, वो एक लिस्ट के अंदर आ जाएगा। क्लियर, चलें नेक्स्ट है। कैटी द स्कीम प्रोवाइड फॉर राइज ऑफ क्रेडिट लिमिट, बिल्कुल ठीक। टाइमली ईयरली रीपेमेंट ऑफ द लोन, मतलब क्या हो गया कि अगर स्ट्रीट वेंडर ने इंस्टॉलमेंट्स रीपे कर दी टाइम पे या टाइम से पहले, कहते हैं ही और शी कैन डेवलप हिज और हर क्रेडिट स्कोर, तो वो उसका क्रेडिट स्कोर बनता है। हम लोग ये चीज को पढ़ते हैं स्टूडेंट्स सिबल पॉइंट्स के रूप में, याद रखें ये होते हैं आपके पॉइंट्स, सिबल पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, कि लोन की किस्त कब आ रही है, कि लेट तो नहीं हुई है, तो वो आपके पॉइंट्स रहते हैं, स्कोर हो गए, दैट मेक हिम हर एलिजिबल, तो वो वेंडर एलिजिबल हो जाएगा 20,000 रुपए तक के लोन के लिए, ठीक है। यहां पे लिखा यूएलबीज विल पे अ पिवोटल रोल इन इंप्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट आता है बाय एंश्योरिंग टू टारगेट द बेनिफिशियरी एंड रीचिंग टू देम इन अ एफिशिएंट मैनर। नेक्स्ट क्या बोला, दिस प्लेटफॉर्म, अब ये प्लेटफॉर्म विल इंटीग्रेट द वेब पोर्टल, कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंट है ये स्टूडेंट्स प्रीलिम्स के लिए, ये मेरे मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। अब यही स्कीम अब और भी बढ़ाई जाए वेब पोर्टल पे, मोबाइल ऐप पे, अब कौन सा हेल्प करेगा, विद उद्यमी मित्र पोर्टल ऑन सिडबी, कंसेप्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द क्रेडिट मैनेजमेंट एंड पैसा पोर्टल ऑफ महुआ। ये क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की बात, ये टू एडमिनिस्टर इंटरेस्ट सब्सिडी ऑटोमेटिकली, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट आप लोगों के लिए। इट विल हेल्प इन इंटीग्रेटिंग द वेंडर्स इन टू द फॉर्मल फाइनेंशियली सिस्टम्स। क्लियर है स्टूडेंट्स यहां तक, आगे बढ़े हम लोग, आगे चल सकते हैं क्या? ओके, हमारा अगली न्यूज आती है साइक्लोन निसर्गा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी फॉर द जीएस पेपर 1 एंड जीएस पेपर 3 के लिए। लीजिए शुरू करते हैं, यहां पे लिखा अ फास्ट मूविंग डिप्रेशन इन द अरेबियन सी। अरेबियन सी में ये कंसेप्ट देखें, ये रहा मेरा अरेबियन सी, ये मेरा अरेबियन सी, यहां पे एक बहुत ही तेज डिप्रेशन क्रिएट होता है, इज प्रिडिक्टेड टू बी इंटेंसिफाइड इंटू सवेयर साइक्लोन, बहुत ही खतरनाक साइक्लोन बना जिसका नाम रखा गया निसर्गा, नेम निसर्गा हैज बीन सजेस्टेड बाय द बांग्लादेश, इंपॉर्टेंट इन द परस्पेक्टिव ऑफ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, बांग्लादेश ने नाम रखा था ये निसर्गा, ठीक है। चले आगे, कहते एज पर द IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द इम्पैक्ट, अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा साइक्लोन का, इज लाइकली टू बी फेल्ट इन महाराष्ट्र और गुजरात, तो दो राज्य भारत के, एक तो गुजरात और एक महाराष्ट्र में, आपको ये दोनों राज्यों में इसके इफेक्ट देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। यहां लिखा देयर इज अ कंसर्न अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ साइक्लोनिक स्टॉर्म्स ऑन द बैटल अगेंस्ट COVID-19। हालांकि हमने ये न्यूज चैनल्स में भी देखा था कि COVID-19 में जो महाराष्ट्र में लॉकडाउन हुआ था, गुजरात में लॉकडाउन हुआ था, पूरे भारत में लॉकडाउन हुआ था, तब महाराष्ट्र और गुजरात में हल्का हल्का फील भी किया गया था ये निजार के इफेक्ट्स को। एज द रेन एंड फ्लडिंग में सेट बैक सोशल डिस्टेंसिंग एंड अदर नेसेसरी मेजर्स एट इवेक्यूएशन सेंटर्स एंड इवन एट सम COVID-19 फैसिलिटीज लोकेटेड इन लो लाइंग एरियाज, तो ये चैलेंज हो गया था। क्लियर है, यहाँ लिखा कि साइक्लोन निसर्गा इज एक्सपेक्टेड टू बी वीकर देन द साइक्लोन अम्फन इन स्ट्रेंथ एंड इंटेंसिटी। अब कंसेप्ट देख लें, यहाँ लिखा कि जो आपका निसर्गा महाराष्ट्र और गुजरात में इसके कुछ कुछ आपको झटके फील हुए थे, जो उसके इफेक्ट सॉरी देखने को मिले,
ये वीक था, देन द साइक्लोन अम्फन। ये कौन सा साइक्लोन आ गया अब आपका, ये साइक्लोन कौन सा है, हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय साइक्लोन कौन सा अम्फन, पढ़ें इसके बारे में। नंबर वन लीजिए, बस आप मेरे साथ बने रहें और डाटा एड ऑन करते जाइए। यहां पे लिखा इज अ लाइकली टू मेड लैंडफॉल बिटवीन, कहां पे बिटवीन द सागर आइलैंड, कहां पे देखने को मिलेगा, बे ऑफ बंगाल में, वेस्ट बंगाल के पास, सागर आइलैंड ऑफ वेस्ट बंगाल एंड द हतिया आइलैंड ऑफ बांग्लादेश। तो इन दोनों के बीच में आपको साइक्लोन अम्फन देखने को मिल गया था, क्लियर। अब अगर इसी के लिए डाटा थोड़ा सा पढ़ा जाए, इसकी स्पीड कितनी थी माय डियर स्टूडेंट, साइक्लोन अम्फन की इसकी स्पीड थी 120 नॉट्स की, मैक्सिमम स्पीड थी इसकी। और अगर और भी पढ़ा जाए, कहते द साइक्लोन गेन देयर एनर्जी। अब कोई भी अगर साइक्लोन है उसको एनर्जी कहां से मिलती है, फ्रॉम द हीट एंड मॉइस्चर, ये बेसिक है आपका जो मैं अभी लिख रहा हूं, कहां से जेनरेट किया गया, जेनरेटेड फ्रॉम वार्म ओशन सरफेस। ये होता है आपका कंसेप्ट कि जो आपका साइक्लोन है उसको इतनी ताकत कहां से मिलती है, वो मिलती है जो गर्मेश हीट और मॉइस्चर जनरेट होता है कहां से, वार्म ओशन मॉइस्चर से। अरे यार कंसेप्ट देख ले माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पे आपका वेस्ट बंगाल आ गया तो यहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकलता है, तो दिस एरिया कम्स अंडर द टॉरिड जोन, तो यहां पे टेम्परेचर हाई रहता है, तो ये कंसेप्ट आपका क्लियर। चलें आगे, क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट है, हाउएवर इन केस ऑफ बोथ साइक्लोन्स द एक्सेप्शनल वार्म ओशन टेम्परेचर सीम टू बी बिहाइंड इंटेंस स्टॉर्म्स, क्लियर। यहां पे लिखा, क्लियर कर रहे, एक जूम करते हैं इसको। ये बोलते हैं जो बारिश हुई, रेन लाइटली टू मॉडरेट एट मोस्ट प्लेसेस, हैवी टू वेरी हैवी एट फ्यू प्लेसेस, एक्सट्रीमली हैवी एट आइसोलेटेड प्लेसेस। विंड की स्पीड कितनी थी, 100 से 110 किलोमीटर पर आ की, और सडनली 120 तक भी पहुंच गई थी। मुंबई में वेव चली थी 1 to 2 मीटर्स अबव टाइड, वेरी लाइकली टू इन अंडवेट लो लाइंग एरियाज, क्लियर। और कंसेप्ट देख लें यहाँ पे, ये इफेक्ट किया था मुंबई के थाने में, रायगढ़ में और पालघर में, ठीक। चलें आगे, क्या लिखा कि वाइल्ड साइक्लोन हैव ऑलवेज बीन मोर फ्रीक्वेंट, कहते साइक्लोन्स जो ज्यादातर फ्रीक्वेंट बे ऑफ बंगाल में आपको देखने को मिल जाते हैं, दे हैव बीन लेस फ्रीक्वेंट ऑफ इंडियाज वेस्टर्न कोस्ट, यानी कि एज कंपेयर टू द ईस्टर्न कोस्ट, वेस्टर्न कोस्ट में हमें ज्यादा साइक्लोन्स इतने फ्रीक्वेंटली नहीं देखने को मिलते, मतलब अरेबियन सी में नहीं देखने को मिलेंगे। अ ट्रेंड दैट हैज बीन ग्रेजुअली चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट, अब ये ट्रेंड चेंज हो रहा है ये साइंटिस्टों का मानना है। कहते फर्दर साइक्लोन्स जो बे ऑफ बंगाल में बने आर स्ट्रॉन्गर देन दोज ऑफ अरेबियन सी साइड, अब ये बे ऑफ बंगाल में जो आपको साइक्लोन्स बनते हैं वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं एज कंपेयर टू अरेबियन सी, क्लियर। क्यों, द रिलेटिवली कोल्ड वाटर ऑफ अरेबियन सी डिस्करेज ऑफ द काइंड ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग साइक्लोन्स। कंसेप्ट याद रखिएगा, हमेशा याद रखें, एक कंसेप्ट याद रखें, कोई भी कंट्री के वेस्ट में हमें वाटर का जो टेम्परेचर होता है ज्यादा मिलता है एज एक मिनट आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा गलत बोल गया यहाँ पे स्टूडेंट्स, आई मिस्टेक, आई एम सॉरी। कोई भी कंट्री के ईस्ट में वाटर का तापमान ज्यादा मिलेगा एज कंपेयर टू वेस्ट, तो यहाँ पे टेम्परेचर मिलेगा बट कम मिलेगा अगर हम लोग ईस्ट का कंपैरिजन करें, तो इसी के कारण यहाँ पे जो साइक्लोन्स होते हैं उसकी एनर्जी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू साइक्लोन्स दोस प्रोड्यूस इन द वेस्ट, उनकी साइक्लोन की एनर्जी कम होती है, ठीक है। दे आर फॉर्म्ड ऑन बे ऑफ बंगाल साइड
अब 2019 में वॉज स्लाइटली अनयूजुअल, क्या हुआ कि अरेबियन सी सॉ द मोस्ट फ्रीक्वेंट एंड इंटेंस साइक्लोन एक्टिविटीज जो 100 साल में भी नहीं हुई थी. वो क्या है, कहते 5 साइक्लोन्स ओरिजिनेट इन द एरिया इन 2019 में. वो थे वायु, हेका, केआर, महा एंड पवन, वे नॉर्मली ओनली 1 or 2 आर फॉर्म्ड. अब वैसे तो नॉर्मली एक या दो बनते हैं साइक्लोन्स, बट 2019 में वायु बना, हिका बना, क्यार बना, महा बना एंड पवन बना. ये आपके साइक्लोन्स हैं स्टूडेंट्स. इसको एक एक करके थोड़ा सा पढ़ लें तो बेनिफिशियल रहेगा आप लोगों के लिए. ओके, नंबर वन, मैं नंबर वन से शुरू करता हूं. आपका सबसे पहला आपका आएगा वायु साइक्लोन. कंसेप्ट बस देखते जाए, आप बने रहे मेरे साथ, क्लियर है. वायु को अगर बात करें, नेम किसने दिया था, कहते नेम्ड बाय इंडिया, भारत ने नाम दे दिया. स्टूडेंट्स एक बात याद रखना, मैं बोलता हूँ नेम बाय बांग्लादेश, नेम बाय इंडिया, ये प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके पॉइंट्स. याद रखें, नेम बाय इंडिया इज ओनली अ डीप डिप्रेशन, क्लियर है यहां पे. अब वायु के लिए अगर देखा जाए, यहां पे क्या लिखा कि जो साइक्लोन है इज करंटली पोजिशनड अराउंड 250 किलोमीटर्स, 250 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट ऑफ अमन देवी. यह आपने नाम सुना है, आइलैंड है किसका, लक्षद्वीप का. इन लक्षद्वीप ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट रहेंगे स्टूडेंट्स. एंड अगर और भी चले, एंड अबाउट 750 किलोमीटर्स साउथ वेस्ट ऑफ मुंबई इन अरेबियन सी, इन द अरेबियन सी. सो दिस इज योर वायु साइक्लोन, क्लियर है. अब मैं नेक्स्ट की बात करूं, हम लोग हर एक चीज को काफी वेल एक्सप्लेन मैनर से ही करेंगे, याद रखें. नेक्स्ट अपने पास आता है साइक्लोन हेका. ये कंसेप्ट क्या है, इसके बारे में भी पढ़ते हैं. अब यहां पे लिखा, ये बोलते हैं ये कहां आया, नियर 490 किलोमीटर्स वेस्ट साउथ वेस्ट ऑफ, कहां पे, वेरावल. ये कहां पे दिखेगा आपको, गुजरात में. इवन 520 किलोमीटर्स फ्रॉम साउथ वेस्ट ऑफ कराची, कहां पे मिलेगा स्टूडेंट्स कराची आपको, पाकिस्तान में, ठीक है, क्योंकि गुजरात के पास आ रहा है तो ऑब्वियस है कराची में देखने को मिला था हमें, ठीक है ना. अब यहां पे एक मिनट, मैं यहीं पे लिख देता हूं, स्लाइड बाय में से एक निकल गया है, पाकिस्तान. एंड 710 किलोमीटर्स ईस्ट साउथ ईस्ट ऑफ मसीरा, ये आपको कहां मिलेगा, ओमान में. तो ये हमने बात की थी साइक्लोन हेका की, क्लियर है. चले आगे, मैं क्लियर कर देता हूं डाटा फिर से यहां पे. अब मैं अगर बात करूं थर्ड साइक्लोन कौन सा आ रहा है आपका, केआर का. ये क्या चीज है, ये है एक आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन इन द नॉर्थ इंडिया. नॉर्थ इंडिया में हमें ये देखने को मिला था, नॉर्थ इंडियन ओशन अरेबियन सी विद 150 एमपीएच की विंड की स्पीड थी इसकी, क्लियर. और इसका नाम किसने रखा, कहते नेम्ड बाय म्यांमार. याद रखें, केआर को म्यांमार ने नाम रखा, वायु को भारत ने नाम दिया, निजर्गा को बांग्लादेश ने नाम रखा था, क्लियर. आप चलते हैं आगे. अब अपने पास एक और चौथा रहता है अपने पास सभी स्टूडेंट्स, महा साइक्लोन्स. ये क्या चीज है महा साइक्लोन्स, तो ये है डेवलप होता है कहां पे, इन
कैमोरेंसी में डेवलप होता है। सेकंड पॉइंट क्या लिखा, नियर द साउथ मोस्ट एंड ऑफ इंडिया, भारत के लिए, ये भारत के पर्सपेक्टिव में लिखा, महासाइक्लोन्स की बात की है। इवन इंटेंसिफाइड इनटू साइक्लोनिक स्टॉर्म, तूफान था ये। अब नेम किसने रखा, नेम्ड बाय महा, बाय ओमान, महा साइक्लोन का नाम रखा गया था ओमान की तरफ से। क्लियर है स्टूडेंट्स यहां तक? ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये रहा आपका, अब कंसेप्ट देख लें, ये आपका शुरू हो गया था साइक्लोन निसर्गा, यहां से आता है आपका साइक्लोनिक ओखली, और ये रहा आपका साइक्लोन ख्यार, दिस इज योर साइक्लोन वायु। डायग्रामेटिकली आप प्लीज देखें, क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट आया ट्रॉपिकल साइक्लोन, और क्या चीज है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, क्या चीज है यहां पे लिखा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के लिए, अ ट्रॉपिकल साइक्लोन इज एन इंटेंस सर्कुलर स्टॉर्म है जो ओरिजिनेट करता है, बनता है वार्म ट्रॉपिकल ओशंस पे एंड इज कैरेक्टराइज, अब इसकी विशेषताएं कैरेक्टराइज क्या है, लो एटमॉस्फेयर प्रेशर होगा, हाई विंड होगी एंड हैवी रेनफॉल। कंसेप्ट याद रखना, जहां पे तो प्रेशर लो होता है क्योंकि हवा हमेशा चलेगी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, अगर प्रेशर होगा लो तो हवा तो अंदर आएगी ना, तभी तो लिखा हाई विंड और वेरी हैवी रेनफॉल भी हमें देखने को मिल जाएगी। कहते स्टॉर्म्स ऑफ दिस टाइप आर कॉल्ड, अब इस तरीके के तूफानों को नॉर्थ अटलांटिक में बोला गया हरिकेन्स। प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव से स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट रहने वाली है चीजें, इवन मेंस में भी, प्लस आप ये वाला पॉइंट लिख लो, क्लियर है? नॉर्थ अटलांटिक में हरिकेन और ईस्ट पैसिफिक में भी हरिकेन देखने को मिला, बोलते हैं इसको साउथ ईस्ट एशिया और चाइना में हम लोग इनको टाइफून्स बोलते हैं, और दे आर कॉल्ड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इन द साउथ वेस्ट पैसिफिक एंड द इंडियन ओशन रीजन। ठीक, अब आगे चलते हैं, चाइना में भी हम लोग इसको टाइफून बोलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट बोला गया इन सदर्न हेमिसफेयर, जो सदर्न हेमिसफेयर है इक्वेटर से नीचे पूरे धरती की बात करते हैं, तो यही स्टॉर्म्स आपके क्लॉकवाइज घूमेंगे और नॉर्दर्न हेमिसफेयर में एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलें आगे, क्लियर कर देता हूं। ये जो मैंने बोला ना कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज कंसेप्ट, हम इस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं बताइए एनीवन? हम लोग इसको कोरियोलिस इफेक्ट का नाम देते हैं। ठीक है, अब आगे आता है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये बना है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर, और एस्टैब्लिश किया गया था 1875 में। इट इज द प्रिंसिपल एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन, वेदर फॉरकास्टिंग एंड सिस्मोलॉजी। क्लियर है स्टूडेंट्स यहां तक? तो आज का सेशन में यहीं तक रोकता हूं, किसी को कोई भी डाउट रहेगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और हमारा ये सेशन कॉन्टिन्यूटी में रहेगा, क्लियर है, 70 डेज के लिए। तो मैं आशा करूंगा ये वाला सेशन भी आपको काफी अच्छा लगा होगा, तो प्लीज इसको रेट कीजिए और रिव्यू कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।